मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ वाला पेपर जो हमारा ऑलरेडी चल रहा था सेशन, उसी सेशन को हम कंटिन्यूस करेंगे। सो यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2019 का पेपर जो हम डिस्कस कर रहे थे उसी को दोबारा डिस्कस करेंगे। आई एम फाइन डॉली। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 1025 तक आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं ये भी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर वन। सो क्वेश्चन नंबर वन है साइकोलॉजी से, नो करिकुलम से, यूनिट 5 से। थैंक यू डियर। सो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस करिकुलम चेंज। इनमें से कौन कौन से जो फैक्टर हैं वो करिकुलम चेंज को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि पाठ्यक्रम परिवर्तन को कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। उसकी वजह से इन्फ्लुएंस करने का मतलब क्या है कि इस फैक्टर की वजह से चेंज आ सकता है। जैसे अगर वाईफाई में प्रॉब्लम होगा तो क्लास में भी प्रॉब्लम होगा, नेटवर्क में इशू होगा तो ऑनलाइन क्लासेस में इशू आएगा, है ना। तो नेटवर्क एक ऐसा फैक्टर है, टेक्नोलॉजी एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से हमारी क्लास में प्रभाव पड़ सकता है, जस्ट लाइक दैट। तो करिकुलम चेंज पे, तो ग्रोथ इन नॉलेज, टेक्नोलॉजी चेंज, नीडेड एंड एस्पिरेंट्स ऑफ प्यूपिल्स, एस्पिरेशंस ऑफ प्यूपिल्स, जॉब प्लेसमेंट, एबिलिटी ऑफ कंपटेंट टीचर्स। ज्ञान में वृद्धि से फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है पाठ्यक्रम चेंज पे, यस। जैसे मान लीजिए तो ये तो होगा ही होगा। दूसरा पूछ रहा है टेक्नोलॉजी चेंज, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन हो गया, टेक्नोलॉजी बदल गई तो क्या होगा, होगा ना, यस डेफिनेटली टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो करिकुलम में भी चेंज होगा। नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ पीपल, इससे भी फर्क पड़ेगा, यस। जॉब प्लेसमेंट या टीचर्स है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सी नहीं आंसर होगा, इसका आंसर होगा ए। सो राइट आंसर ए बी सी, ये दोनों नहीं है। पहला ही क्वेश्चन है, यस क्लास चल रहा है, किसको नहीं दिख रहा है, दोबारा से रिफ्रेश करो। So right answer is second, A B C is correct answer. Clear है? चलिए next question देखें। Curriculum change in विशेष is which of the following, पाठ्यक्रम परिवर्तन निम्नलिखित में से किस पे विचार करता है। दोनों क्वेश्चन करिकुलम चेंज से ही बना दिए। तो डी तो सब में दिया है तो डी तो होगा, डी को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। चेंज इन एम एंड ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव इसमें से हमें बस ये देखना है कि कौन सा नहीं होगा, क्या सारे होंगे या कोई भी नहीं होगा। किस पे विचार करता है, कंटेंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, टीचिंग मेथड पे, इवैल्यूएशन प्रोसेस पे। इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ
कैंडी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो सी नहीं होगा, तो सी को हटा दो, सी के एलिमिनेट कर दीजिएगा, तो सही आंसर क्या होगा आपका? ए बी डी और ई। सो राइट आंसर इज 4। सी को अगर हम यहां से हटाएंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इनमें से कौन कौन से जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है अबाउट हिस्टोरिकल रिसर्च डिजाइन। किस स्टेट डिजाइन के बारे में बात हो रही है? हिस्टोरिकल रिसर्च डिजाइन के बारे में। ऐतिहासिक शोध अभिकल्प, अब रिसर्च शुरू हो गई आपकी, है ना? तो मोस्टली बेस्ड ऑन क्वालिटेटिव डेटा, टेस्टिंग हाइपोथीसिस इज एन इंटीग्रल पार्ट, फाइंडिंग्स कैन बी जनरलाइज्ड टू अदर सिचुएशंस, डेटा आर एग्जामिन्ड फॉर वैलिडिटी एंड ऑथेंसिटी, कंटेंट एनालिसिस यूज फॉर डेटा ट्रीटमेंट। तो बस इसमें से एक निकालो जो नहीं है ना, और तो आपको आंसर बड़े आराम से मिल जाएगा। एक इसमें ऐसा है जो नहीं हो सकता है। ठीक है, हाइपो टेस्ट नहीं करेंगे, हिस्टोरिकल है तो यहाँ पे टेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो चीज ऑलरेडी हो गई है, तो बी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? थर्ड, ए डी ई। और सामान्यीकरण भी नहीं होगा क्योंकि ये दोनों जो क्वालिटी है वो कौन सी रिसर्च डिजाइन की है? ये जो दोनों क्वालिटी है वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन की है, ना कि हिस्टोरिकल रिसर्च डिजाइन की है। ठीक है, टेस्टिंग करना हाइपोथीसिस को और रिजल्ट को जनरलाइज्ड करना हम किस में करते हैं? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में करते हैं, ना कि हिस्टोरिकल रिसर्च डिजाइन में। सो राइट आंसर होगा आपका थर्ड, ए डी ई। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फ्रॉम रिलायबिलिटी ऑफ रिसर्च टूल्स, विश्वसनीयता के लिए किसी शोध उपकरण की विश्वसनीयता के लिए कौन सा सही है? ठीक है, रिसर्च टूल बनाया, रिसर्च टूल का मतलब एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मैंने क्वेश्चन आयर बनाया, प्रश्नावली बनाई। प्रश्नावली क्या है? एक रिसर्च टूल है, उस टूल का मैं यूज करना चाहती हूँ, तो उसकी रिलायबिलिटी कैसे डिसाइड होगी? रिलायबिलिटी इज फिक्स्ड, विश्वसनीयता फिक्स होती है? नहीं, कभी भी फिक्स नहीं हो सकती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, तो ए नहीं हो सकता, तो ए नहीं हो सकता, तो आंसर 1 और 2, थर्ड तो नहीं हो सकता। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका, क्योंकि ये तरीका है ना, ये आप कई सारे क्वेश्चंस में अप्लाई करोगे आगे। अब मुझे इस क्वेश्चन को करना है और सपोज मुझे बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं पता है, तो मुझे एक चीज तो पता है कि रिलायबिलिटी फिक्स नहीं होती है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले ए हटा दिया, तो ए हटा दिया तो मेरे 2 ऑप्शन तो चले गए, है ना? 2 ऑप्शन गए। अब मुझे क्या देखना है कि सेकेंड और इसमें क्या कॉमन है? तो यहाँ पे डी कॉमन है, ई कॉमन है, तो इसका मतलब हो गया कि डी तो सही होगा ही, ई भी सही होगा। अब प्रॉब्लम किसके बीच में, फाइट कहाँ पे है? बी होगा या सी होगा, तो सिर्फ आपको 2 ही पढ़ने पड़ेंगे, आपको पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा, है ना? ये एक तरीका है। तो देखो बी क्या कह रहा है, इट इज कोरिलेशन ऑफ स्कोर ऑन द टेस्टिंग टूल इटसेल्फ, और सी कह रहा है रिलायबिलिटी कैन हैव नेगेटिव वैल्यू। तो रिलायबिलिटी आपको पता है कि रिलायबिलिटी की नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी वाला सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमें आंसर मिल गया। तो अब देखो हमारे पास ऑप्शन टोटल कितने थे? 5। टोटल ऑप्शन कितने थे? 5। मैंने ए पढ़ा,
मैंने बी पढ़ा और मैंने सी पढ़ा ओनली, पूरे पांच नहीं पढ़े। तो इतने से ही मुझे आंसर मिल गया। तो दो या तीन आपको ऑप्शन पढ़ने से आंसर मिलेगा, लेकिन कंडीशन लगभग ऐसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि किसी में भी मिल जाएगा। ठीक है, सीख पाए इस मेथड को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि देखो ये आपके पास अभी जो वक्त है इसमें आप बहुत सारी चीजें सीख कर अप्लाई कर सकते हो, है ना, क्योंकि टाइम है। और फिर एक बार पेपर की डेट आ गई तो इन सब पे ना दिमाग चलता भी नहीं है, आप लाख कोशिश करोगे आपको समझ ही नहीं आएगा मैं क्या कह रही हूँ। अगला देखिए, इन फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी FAIAC, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू इनडायरेक्ट टीचर टॉक। यानी कि कल मैंने आपको एक कैटेगरी बताई थी, उस कैटेगरी में कौन सा इनडायरेक्ट टीचर टॉक से रिलेटेड है, टीचर नहीं बोला है, बस टीचर द्वारा रिलेटेड नहीं है। तो प्रशंसा करना या प्रोत्साहित करना, ये या लेक्चर देना या डायरेक्शन देना क्या नहीं होगा? मैंने आपसे कहा था कि फ्लैंडर की जितनी कैटेगरीज हैं उनको लर्न कर लो, है ना, लर्न कर लो। CEF, याद है मतलब आप लोगों को, मतलब आप लोगों ने याद किया है तभी बता पा रहे हो। फीलिंग, किसी की फीलिंग को एक्सेप्ट करना, ये कैसा है, इनडायरेक्ट है। ई, प्राइजिंग और इनकरेजिंग, और एफ, टैग बॉय टीचर्स। तो राइट आंसर वी। आप में से कितने लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको ये करना नहीं आया, ईमानदारी से बनाना बताना। आता है, वेरी गुड। वेरी गुड गाइस, जिनको नहीं आता है उनके लिए मैंने टेबल दिखा देती हूँ किस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ये फ्लेंडर इंटरेक्शन टेबल है, ठीक है, इसमें देखो टीचर टॉक है, प्यूपिल टॉक है और साइलेंस है। अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं बोलती जा रही हूँ उससे समझ लेना, ठीक है। साइलेंस का मतलब होता है कि टीचर क्लास में कितनी देर चुप रहा, मौन, साइलेंस। और स्टूडेंट टॉक यानी कि स्टूडेंट ने क्या क्या टॉक किया, और टीचर टॉक यानी टीचर ने कितनी देर टॉक किया। तो टीचर जो टॉक करता है, एक होता है इनडायरेक्ट और एक होता है डायरेक्ट, ठीक है। तो इनडायरेक्ट में क्या क्या आता है, फीलिंग को एक्सेप्ट करना, प्राइज देना, इनकरेज करना, ठीक है, आइडिया को एक्सेप्ट करना, क्वेश्चंस पूछना। और यहाँ पे डायरेक्ट में क्या आता है, लेक्चर देना, डायरेक्शन देना और जज करना। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप ये तीन याद कर लो सिर्फ, डायरेक्ट वाले तो इनडायरेक्ट वाले पता चल जाएंगे, या इनडायरेक्ट वाले याद कर लो तो डायरेक्ट वाले याद, क्योंकि साइलेंस तो एकदम से लास्ट वाला है जिसको हम सबसे कम मार्क्स देते थे, और स्टूडेंट
स्टूडेंट टॉक में सिर्फ दो ही आता है, इंफॉर्मेशन और स्टार्टिंग, ठीक है। इनिशियल, तो ये 8 और 9 कैटेगरीज यहाँ पे थी। तो हमें क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में वो हमसे पूछ रहे हैं कि ये बताइए कि यहाँ पे इनडायरेक्ट टॉक कौन कौन सा है। तो इनडायरेक्ट में कौन कौन सा आएगा, फीलिंग एक्सेप्ट करना और प्राइज और इनकरेज करना, दूसरों के आइडिया को एक्सेप्ट करना, तो ये सब किस में आएंगे आपके, इनडायरेक्ट टीचर टॉक में आएंगे। अब देखो क्वेश्चंस पे आओ, इनडायरेक्ट टीचर टॉक, तो इनडायरेक्ट टीचर टॉक में फीलिंग को एक्सेप्ट करना, भावनाओं को स्वीकार करना, सी। तो अगर आप इतना भी अगर आपको पता होता कि इनडायरेक्ट टीचर टॉक, तो आप इसी से ये क्वेश्चन कर सकते थे, है ना। ई से, ई में क्या है, प्राइजिंग और इनकरेजिंग, और एफ में क्या है, दूसरे के आइडिया। तो मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें क्या क्या है, आइडिया, प्राइजिंग और फीलिंग, और जज करना किसमें आता है, डायरेक्ट टीचर टॉक में। लेक्चर देना किसमें आता है, डायरेक्ट में, और डायरेक्शन देना किसमें आता है, डायरेक्ट में। अगर आपने कभी भी नहीं पढ़ा था इस टॉपिक को तो आप यहां से भी कर सकते हैं, है ना, इससे याद कर सकते हो। तो डायरेक्ट में जज करना, डायरेक्शन देना और लेक्चर देना, क्यों, अब जो क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्ट वाले से आएगा, राइट। तो इस तरह से इतना डीप जाके आपको पढ़ाई करनी है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग आउटकम बेस्ड बिहेवियर बिलोंग द कैटेगरी ऑफ बीइंग हाई इन टर्म्स ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इन कॉग्निटिव डोमेन। संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र की वर्गीकरण के तहत इनमें से कौन से अधिगम प्रणाली व्यवहार उच्च स्तरीय हैं, हाई है, हाई कौन कौन सा है। तो क्रिटिकल ढूंढ लो सबसे पहले, तो क्रिटिकल तो हाई में ही आएगा, तो ई तो जरूर होगा, तो ई तो तीनों में दिया है उसने, चलो तो ई तो तीनों में है। इसके बाद सी सी सी, एक और पता कर लेंगे तो आंसर मिल जाएगा हमको, है ना। क्रिटिकल थिंक, क्रिएटिव एनालिसिस, एप्लीकेशन, कॉम्प्रिहेंशन, सी नहीं होगा, कॉम्प्रिहेंशन छोटे लेवल पे आएगा। क्या आंसर होगा, सी नहीं होगा, सी नहीं होगा, तो इनको भी हटा दो। राइट आंसर इज सेकेंड होगा ना। देखो गाइस, मैंने आपको एक बार नहीं हजार बार बोला होगा कि ब्लूम टैक्सोनॉमी को पूरा पूरा याद कर लेना, बोला था। तो उसमें जो ऊपर वाले हैं ना, वही तो क्रिटिकल थिंकिंग कैसा लेवल होता है, हाई लेवल होता है। क्रिएशन करना, कुछ चीज नई बनाना, ये कैसा लेवल होता है, हाई। कॉम्प्रिहेंशन अबोध स्तर, ये तो एप्लीकेशन, ये छोटे छोटे लेवल होते हैं ना, तो इनको तो हटा ही दो। बी और सी नहीं हो सकता, तो सी गया, सी गया, बी गया, आंसर क्या होगा, ए और बी। तो अपना अपना तरीका है, आप इसको कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से वही क्वेश्चन है, साइकोमोटर डोमेन से क्या क्या रिलेटेड है। ये गाइस आपको ये याद करनी पड़ेगी एनी हाउ, जब तक आप इसको याद नहीं करेंगे आपके 2 से 4 क्वेश्चन गलत होंगे, तो इसको जरूर याद कर लेना। मैंने भी की थी, ये पूछ रहा है क्वेश्चन क्या है कि मैंने आपको टैक्सोनॉमी पढ़ाई थी, तीन डोमेन होते हैं, कौन कौन से, कॉग्निटिव डोमेन होता है, अफेक्टिव डोमेन होता है, साइकोमोटर डोमेन होता है, तीन डोमेन होते हैं, 1, 2 और 3। तो इन तीनों में जो हाई वाला लेवल था वो कौन कौन सा था, तो पहले वाले में हाई लेवल क्या था, इवेल्युएशन करना, दूसरे वाले में करेक्टराइजेशन करना, नेचुरलाइजेशन करना, या ये था क्या था, तो मेरी समझ से 4 वाला ही रहा होगा। राइट आंसर इज 4। तो यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, ज्ञान बोध प्रयोग अनुप्रयोग, ये सब पढ़ा था आप लोगों ने।
आप में से किसी को भी इस क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। Which of the following statement indicative formative assessment, निर्माणात्मक मूल्यांकन। एक ये भी ऐसा टॉपिक है जिसे बार बार क्वेश्चन लोएस्ट पूछता तो ये आप बताओगे ना। लोएस्ट पूछेगा तो सबसे पहले क्या होता है, ज्ञान बोध प्रयोग। नीचे में सबसे पहले क्या आता है वो आप याद करो सारी टेबल। फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव कब होता है, चल जब क्लास चल रही होगी तो हम उसको क्या बोलते हैं कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है। ठीक है, ये तो नहीं हो सकता, ये तो होगा ही, सॉरी। टीचर बच्चों को इनकरेज करता है आंसर देने के लिए कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ए होगा। टीचर आस्क क्वेश्चन, बच्चों को मोटिवेट करता है, तो बी भी होगा। बी होगा इसका आंसर। ठीक है, राइट आंसर इज ए बी ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये सी डी नहीं होगा। अगला देखिए, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट एम गैगने, विच ऑफ लर्निंग टाइप प्रेसीड कंसेप्ट लर्निंग, बताओ। रॉबर्ट एम गैगने, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको कुछ ट्रिक बताई थी एसएससी, किस किस को याद है वो ट्रिक, उसी ट्रिक से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। सिग्नल लर्निंग, फिर स्टिमुलस रेस्पॉन्स, ये वाली, फिर कौन सा आता है, चैन लर्निंग, एसएससी। वेरी गुड चैताली, बीडी, सीआरपी, है ना। अब वो पूछ रहा है इनमें से कौन सा अधिगम सम्प्रत्यय किससे पहले आता है, कंसेप्ट से। तो कंसेप्ट कहाँ है, यहाँ पे है। तो आप इसमें से क्या करो, ये मत देखो कि पहले क्या आएगा, आप बस ये देखो कि बाद में क्या है। बाद में है रूल लर्निंग और प्रॉब्लम, यानी कि समस्या आधारित अधिगम और रूल, तो इन दोनों को हटा देते हैं। ठीक है, तो रूल वाला हटा दो और प्रॉब्लम वाला हटा दो, यानी कि आंसर हमारा ए और सी तो नहीं हो सकता, ए और सी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा आपका, बी डी। समझ में आया कैसे किया मैंने, वो ये पूछ रहा था कि इससे पहले कौन कौन सा आएगा, तो ये तो आएंगे, ये बहुत सारे हैं, इसको मैंने छोड़ दिया। मैं तो ये देखूंगी ये नहीं आ सकते दो, क्योंकि ये हायर लेवल है, तो उन दोनों को मैंने हटा दिया, तो मुझे आंसर मिल गया। ये ट्रिक याद करना बहुत काम की है, BSS सी बी डी सी आर पी। अगला क्वेश्चन देखिए। द इथिकल एंड सोशल इशू इंफॉर्मेशन सिस्टम आर बिकम मोर इंपोर्टेंट दीज डेज बिकॉज ऑफ द इनक्रीज्ड, क्या बढ़ गया है जो इथिकल जो और सोशल जो इशू है, यानी कि नैतिक और सामाजिक जो मुद्दे हैं,
उनमें से क्या ऐसी प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से इन्फॉर्म सिस्टम मोर इम्पोर्टेंट, जिससे जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। ठीक है, जैसे मान लो किसी ने कहा कि सोशल मीडिया पे कोई मैसेज आया कि चाइना ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया है, युद्ध शुरू हो गया है या वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया है, कोई फेक न्यूज किसी ने बता दी, तो हम उसे तब तक नहीं बता सकते हैं जब तक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो मजबूत नहीं होगा। तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑफ इन्फॉर्म क्वा स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है, तो वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो यूज ऑफ इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट का प्रयोग बहुत ज्यादा बढ़ गया है, एंड यूज ऑफ इंटरकनेक्टेड इंफॉर्मेशन सिस्टम, हम आपस में बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड हैं, तो दैट्स व्हाई हमें इसकी जरूरत और ज्यादा है। अगला क्वेश्चन देखें, कौन सा स्टेटमेंट क्रियांतकारी नेतृत्व शैली की विशेषताओं का वर्णन करता है? डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशनल लीडरशिप स्टाइल। तो इसमें ए और बी तो नहीं हो सकता ना, ट्रांजिशनल क्रांतिकारी, जो लोग क्या करते हैं एक्शन पे फोकस करते हैं, काम पे फोकस करेंगे, है ना, वही वाला मॉडल है या कोई और है? तो राइट आंसर होगा थर्ड, सी डी ई। राइट आंसर क्या होगा? सेकंड होगा था। अच्छा, वो आप लोगों को कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है, कभी कभी यहाँ पे सेकंड लिखा मिल जाता है, आपकी आदत ये है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, है ना, चलो कोई बात नहीं, राइट आंसर होगा सी डी ई। नहीं, सी डी ई नहीं होगा, सी डी ई नहीं होगा। ट्रांजिशनल मॉडल कौन सा होता है लीडरशिप का? ट्रांजिशनल मॉडल, पहले तो थोड़ा सा याद लगाओ क्या होता है। क्रियांतिकारी किस पे ध्यान देता है? मॉडल बताओ किस पे ध्यान देता है? नहीं, ये नहीं होगा, बी नहीं है, ये सी नहीं होगा, सॉरी, सी और डी तो होंगे, ई नहीं हो सकता ना, काउंसलिंग नहीं करते हैं क्योंकि काम पे फोकस करते हैं, गिव और टेक, यस, जिसमें हम ट्रांजिशन सिखाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए सी डी, थर्ड वाला, रोल और गोल क्लियरिटी एंड राइजिंग कमिटमेंट एंड मोटिवेशनल लेवल, ये नहीं होगा, सी होगा कंपेटेंसी बिल्डिंग एंड डी होगा मोटिवेशन पीपल। ठीक है, तो हम इसमें ट्रांसफर करते हैं नॉलेज और स्किल्स को, ठीक है, ताकि लोगों को सिखा सकें, तो रोल और गोल क्लियर रहता है। सो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए सी डी। ठीक है, वर्क पे ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, इस मॉडल को क्यों यूज करते हैं? काम को फोकस करने के लिए। सो राइट आंसर ए सी डी, ए सी और डी, ये ई नहीं हो सकता। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन हाउ लीडर वर्क। ओके, एक शिक्षक के रूप में आप अपने कक्षा कक्ष में अल्पबाधिर छात्रों को कैसे पहचानेंगे? माइल्ड लर्निंग एम्पायरमेंट इन क्लास, कैसे पहचानोगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है।
The learner sequences her eyes, her and look at you. तो see तो नहीं हो सकता, आंखों को अगर कोई ऐसे करता है और ऐसे देखता है, that means उसकी eyes में problem है, कान में problem नहीं है. तो see को हटा दो बस, तो answer मिल जाएगा. See को eliminate कर दो. Very good. तो see को हटा देते हैं. तो right answer क्या होगा? A B D. यानी कि जब आप बोल रहे हैं तो अपने कान पे हाथ रख के सुनने की कोशिश कर सकता है, ठीक है. बी, अब आपकी ओर वो झुक सकता है ताकि अच्छे से और सुनाई दे सके. डी, तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा? ए. अगला क्वेश्चन गाइस, एक चीज आप समझ पा रहे हैं? हाँ, ए होगा ना. ए क्या कह रहा है? The learner keep hand near his or her ear when you speak. कोई किसी को कम सुनाई दे रहा है ना, तो जब आप बोलेंगे तो क्या होगा कि वो अपने कान पे हाथ रख लेगा. उसको लगा कि कान पे हाथ रखने से और सुनाई देता है. ये होता है, प्रैक्टिकली ऐसा होता है. देखिए, आपको एक चीज समझ पा रहे हैं इसमें? हर क्वेश्चन में जो ऑप्शन आ रहे हैं वो ऐसे करके ही आ रहे हैं. इसका मतलब पेपर आसान जरूर है, लेकिन पेपर लेंदी है, पेपर बड़ा बहुत है. और बड़ा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो मैं तरीके बता रही हूँ ना सॉल्व करने के, उस वो तरीके आप अप्लाई करना शुरू करो ताकि आपका टाइम बचे, ठीक है. अगला क्वेश्चन फिर वैसे ही है. इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या बैरियर है? आसान बहुत है. क्या बैरियर है ये तो कोई भी बता सकता है ना. तो पेरेंट्स डू नॉट सेंड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड टू स्कूल. नॉन एबिलिटी ऑफ सुटेबल ट्रेंड टीचर्स. चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड गेट लीगल प्रोटेक्शन एंड स्केयर फाइनेंशियली प्रोविजन फ्रॉम द गवर्नमेंट. बाधक, बाधक का मतलब रोकते हैं. तो देखो गाइस, सी ऑप्शन क्या कह रहा है? चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड गेट लीगल प्रोटेक्शन. तो ये तो कैसा है, ये तो कैसा है? पॉजिटिव है. ये जो सेंटेंस लिखा है ये कैसा सेंटेंस है? पॉजिटिव है. पॉजिटिव है तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर किसी बच्चे को लीगल प्रोटेक्शन मिलेगा तो वो और अच्छा काम करेगा. तो सी हटा दो. तो ये तरीके आपको समझने पड़ेंगे और अप्लाई करने पड़ेंगे, तो आपका क्वेश्चन सेकेंड में सॉल्व होगा. पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, है ना. अगला देखिए, फिर से वही UNCRPD, United Nations Convention on the Right of the Person with Disabilities. What are the measures suggested by? क्या क्या इन्होंने बताया है? एक हटा दो, एक इसमें से कोई एलिमिनेट कर दो, क्योंकि आंसर आपके चार हैं ऑप्शन और आंसर में थर्ड है, यानी कि एक ही हटेगा यहां से. तो वो एक ढूंढ लो जो आंसर नहीं हो सकता. ठीक है, इसको हटा दो, सी नहीं हो सकता. इंश्योर लीगल एक्शन फॉर पेरेंट्स नॉट सेंडिंग चिल्ड्रन टू द स्कूल, तो सी नहीं होगा. तो सी नहीं होगा. तो सेम पैटर्न है, तीन क्वेश्चन आपने ये देखे, लगातार चार क्वेश्चन सेम पैटर्न पे हैं, सब में सी हटाया है हमने. तो राइट आंसर इज ए बी डी. अगला क्वेश्चन देखिए. समावेशी शिक्षा को सफल बनाने के लिए कौन सा अपेक्षित है? इसमें से भी एक हटा दो.
सी हटेगा यहाँ से भी, सी नहीं होगा। ओह माय गॉड, 5 क्वेश्चन सेम, सी नहीं होगा। आप 4 कैसे बता सकते हैं? सी सी नहीं होगा ना, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहा है, निःशक्त बच्चों की बात नहीं कर रहा है, कि स्पेशल स्कूल्स में भेजने की बात कर रहे हैं अगर हम, तो इसका मतलब है कि हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन तो सबको इंक्लूड कर रही है। और ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि बच्चों को स्पेशल स्कूल में भेजो, है ना, तो सी को हटाएंगे। तो राइट आंसर ए बी डी, बताइए, है ना, कितना मजेदार। काश आपके पेपर में भी ऐसा ही हो जाए, लगातार सेम 10 क्वेश्चन ऐसे ही आ जाए। अगला क्वेश्चन, अब उसने समझ लिया कि आप लोग मेरा पैटर्न समझ गए हैं, तो क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया भाई। ये तो आप बता ही दोगे इतना पढ़ाने के बाद। अच्छा किसी से भी कर सकते हो, एक कोई भी उठा लो। महत, हिंदी, ये रहा हिंदी। इंग्लिश से करते हैं इसको, कि महत क्या होता है। देखो महत क्या है, इट इज अ कॉस्मिक इन नेचर एंड फंक्शनिंग एज अ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ नोइंग। बी ईगो क्या होता है, अहंकार। इट इज द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलेशन एंड द फंक्शन टू जनरेट सेल्फ सेंस। माइंड, माइंड सबसे बड़ा है और ये सेंट्रल यूनिट होती है। सी सी का क्या होगा, फोर। इट इज द सब्टल एंड सेंट्रल सेंस, देखो सेंट्रल सेंस है, ऑर्गन विच सिंथेसाइज सेंस डेटा इनटू डिटरमिनेट परसेप्शंस। डी सब्टल, तन मंत्राएं क्या होती हैं, ये ना तो नाइदर क्वालिटीज नॉर द डिफरेंसिया ऑफ ग्रॉस एलिमेंट नॉर द फंक्शन। तो राइट आंसर इज थर्ड। ठीक है, एक से ही कर सकते थे। सी का क्या होना चाहिए, फोर होना चाहिए, है ना, सी का क्या होना चाहिए, फोर होना चाहिए। इसके ऑप्शन कुछ गड़बड़ दिख रहे हैं। चलिए अगला देखिए, हिंदी में सब, हिंदी में प्लीज वीडियो देखो, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है वहां से। अच्छा मैं यहाँ नहीं पढ़ा सक समझा सकती क्योंकि इंग्लिश के ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट एंड टीचर इज रोल विजुलाइज्ड। आज आपको यही पढ़ाने वाली हूं मैं, आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म। लेकिन आज का वीडियो देखने से पहले 2 वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, छोटे छोटे से हैं, उनको जरूर देख लेना, ठीक है, ताकि आपकी एक बैकग्राउंड तैयार हो जाए। तो रोल मॉडल तो आइडियलिज्म में ही होगा ना, एक का थर्ड होना चाहिए। एक ही ऑप्शन से हो रहा है, आइडियलिज्म, रोल मॉडल। टीचर क्या होता है, रोल मॉडल।
आदर्शवाद में ही शिक्षक कैसा होता है, आदर्श व्यक्ति होता है, ठीक है। सो राइट आंसर क्या होगा, थर्ड, एक सेकेंड, ए का सेकेंड, बी का फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद की बुक का नाम, बुक के नाम ये तो तुरंत बता दोगे। गांधी जी, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सी का फोर। So right answer is third. Right? Option third is correct. Let's see the next question. So given are two sets, set one mention a term from the preamble to the Constitution of India and set gives their explanation. Match that item from set one with explanation. फ्रॉम सेट सेकेंड। तो आपको यहाँ पे ये जो हमारी नेशनल वैल्यूज थी उनको मैच करना है। तो सेकुलरिज्म देख लो चाहे डेमोक्रेसी देख लो, ये दोनों आसान है, ठीक है। डेमोक्रेसी क्या होती है, स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं होता। कल मैं आपको यही पढ़ा रही थी कि नहीं, कल वाले पेपर में मैंने ये चीज आपसे डिस्कस की थी, नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस वाली। देखो उस अगर क्लास ना, जो एक्चुअल क्लास होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है। कल मैंने आपको बस ऐसे ही हम लोग चर्चा कर रहे थे नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है। अगर आपने ठीक से देखा होता तो उसी से हमारा हो रहा था। देखो सेकुलरिज्म क्या होता है, स्टेट हैज नो रिलीजन, बी का क्या होगा, फर्स्ट होगा। तो कल एक छोटी सी बात से आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बी का क्या कर दो, फर्स्ट कर दो, ठीक है। तो ये एक्चुअल क्लास लेने का फायदा होता है। हिंदी में देख लें, मैंने कहा था कल आपको धर्म निरपेक्षवाद, अपने आप में कैसा नेगेटिव सेंटेंस होता है, राज्य का कोई धर्म नहीं होता, ना ही किसी धर्म के प्रति राग होता है और ना किसी धर्म के प्रति द्वेष होता है। तो बी का क्या होगा, वन। सो राइट आंसर इज वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी आप एक से कर सकते हो, मेमोरी लेवल सबसे छोटा लेवल होता है रटने वाला, ठीक है। तो मेमोरी लेवल में क्या होता है, रिकॉल करते हैं, डेप्थ में नहीं जाते हैं, रिटेशन धारण करते हैं, है ना। तो फोर होगा आंसर। हिंदी में भी दिखा रही हूँ, इंग्लिश के टर्म थोड़े आसान होते हैं। मेमोरी लेवल का रिलेशन किससे होता है, रिकॉल, रिटेशन। रिटेशन लिखा है, इसी से आप कर सकते हैं। तो बी का क्या होगा, सेकेंड। तो बी का सेकेंड यहाँ हो रहा है, तो राइट आंसर क्या होगा, फोर। देख लीजिए हिंदी में भी, विचारों को लंबे समय तक धारण कर सके, धारण का मतलब क्या है, याद रख सके, तो उसका संबंध किससे होता है, स्मृति स्तर से होता है। तो सही आंसर क्या होगा आपका, बी का सेकेंड होगा, ठीक है। ए का सेकेंड कैसे होगा, डेफ, गहराई से जानना, जानना जहां पे आ गया गहराई से, वहां पे एक कैसे हो सकता है। गहराई से जानने का संबंध किससे होगा, ये कह रहा है जानना, जानने का मतलब समझना, और समझना का मतलब विमर्श, विमर्श का मतलब अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है, अंडरस्टैंड करना चीजों को, राइट। तो ए का क्या होगा, फिर थर्ड होगा, अवबोध। नेक्स्ट देखिए, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, कौन कौन सी थ्योरी किसने दी है, ये तो नाम पूछा गया है सीधी सीधी, क्रिस्टल और फ्लूइड, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी, थर्स्टन,
गार्डनर, कैटल, बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। मल्टी फैक्टर किसका था? हस्टन का था। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसकी थी? गार्डनर। थ्योरी ऑफ फ्लूड एंड क्रिस्टल, कैटल। कॉपिंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, स्टेनबर्ग। हिंदी वाले देख लीजिए, तो राइट आंसर इज वन। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत जो था वो दिया था हमारा थर्स्टन ने, ठीक है। और इसका आंसर बर्ट भी हो सकता है, कुछ भी, दोनों में से। बहुल प्रज्ञा का सिद्धांत गार्डनर। तरल और संबलित बुद्धि कटेल, और प्रज्ञा स्टेनबर्ग। सही आंसर क्या होगा? वन। अगला क्वेश्चन देखिए। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ मोटिवेशन, एम्पैथी, सोशल स्किल। मैंने आपसे कहा था आप ये चीजें जरूर याद कर लेना, इससे बार बार क्वेश्चन आएगा। 2019, 20, 21 लगातार इससे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको इसे मैच करना है, ठीक है। तो कोई भी एक उठा लो जिसको आप सबसे अच्छे से जानते हो। देखो इस तरह के क्वेश्चन में गाइस क्या करना होता है, जब भी कभी इस तरह से क्वेश्चन आए टाइम बचाने के लिए, आपको पता है कि यहाँ पे अगर हमें किसी एक का भी आंसर पता होगा तो ये पूरा क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो इनमें से वो उठाओ जिसे आप सबसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं। अवेयर होना, हम अपने लिए कितने ज्यादा अवेयर हैं, तो इसी से सर्च कर सकते हो आप आराम से, है ना। तो सेल्फ अवेयरनेस, तो आंसर क्या होगा? थर्ड। ए का क्या होगा? थर्ड। बी का क्या होगा? सेल्फ मैनेजमेंट। फोर्थ। हिंदी में देखिए, आत्म अभिव्यक्तता, यानी कि भाव का ज्ञान। राइट आंसर इज थर्ड। जो भी आपको आता हो उसी से, इस एक चीज से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे मुझे खुद के लिए अगर करना होता है, मैं तदानुभूति देखती, क्योंकि एम्पैथी बहुत आसान है। एम्पैथी क्या होता है कि हम दूसरे की भावना को कितना समझते हैं, तो वो उसे एम्पैथी कहते हैं। तो डी का क्या होता है यहाँ पे? सेकेंड। तो इससे भी कर सकते थे आप, और देखो कोई भी काउंटर भी नहीं कर रहा है। अगला देखो, सेम वही पैटर्न है, एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन है। इसमें भी देख लो कौन सा आपको सबसे ज्यादा आसान लग रहा है। प्रेजेंटेशन जैसे है, प्रेजेंट करना किसी चीज को। वन ट्वेंटी थर्ड का आंसर क्या होगा? इसका भी आंसर थर्ड ही होगा, है ना। तो ए का क्या होगा? थर्ड। गाइस पेपर बदलने वाले ने, बनाने वाले ने, आप अगर ध्यान से देखोगे ना, ना तो किसी भी क्वेश्चन में ज्यादा पैटर्न चेंज किया, उसने ऑप्शन तक चेंज नहीं किए हैं। जो ऑप्शन आपको यहाँ रखे हुए हैं सेम यही ऑप्शन आगे पीछे करके इसमें रख दिए हैं। कितना खेल होता है पेपर बनाने में भी। हिंदी में देख लो, मॉरिशन का मॉडल था, उसमें ये कुछ थे, उसमें आपको इसे जोड़ना था। तो इसका ए का क्या होगा? अन्वेषण करना, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर वही चीज है। जीन पियाजे, इन्हीं का बता दो फटाफट। एसिमिलेशन वाला, अडॉप्शन, कॉग्निटिव अप्रोच। ए का फोर। ये तो सभी को पता होगा। तो राइट आंसर इज वन। ब्रूनर का, इनका भी याद ही रहता है। लास्ट, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है। पहले
पहले हिंदी वाले देख लीजिए, जीन प्याजे का आत्मसातीकरण ससंबंध अनुकूलन आधारित संज्ञानात्मक उपागम। और गाइस मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगी कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये देख कर ना याद कर लेना, क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं कि किसने इसमें से क्या दिया है। अगर ये आप याद कर लोगे तो आगे आपके कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये कहीं पे मिलता भी नहीं है इतनी आसानी से, इतना ऑर्गेनाइज तरीके से लिखा हुआ आपको बहुत कम किताबों में मिलेगा। आपको ढूंढना पड़ेगा, ये जो सारे टर्म हैं वो आपको ढूंढने पड़ेंगे। अब इस क्वेश्चन से आपको पता चल गया कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, किसने क्या दिया है, और इनको इसके आगे लिख लो। ब्रूनर का क्या हो जाएगा, बी का होगा फर्स्ट, तो ये ब्रूनर वाला हो जाएगा। तो इनको लिख कर और रट लग लो, है ना। ये मिलते नहीं है इतनी आसानी से टर्म सारे, कि कौन सा टर्म किससे रिलेटेड है, मिलते हैं कहीं आप बताइए, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। ये दोनों तो मिल भी जाते हैं, जीन प्यारे और बायगोस ब्रूनर, बाकी तो आपको इतनी आसानी से मिलेंगे भी नहीं। तो आपको क्या करना है कि बस इनको लर्न कर लेना है, ठीक है, ये इनके टर्म है। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट। वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ टीचर एजुकेशन रैशनल फॉर प्रोवाइडिंग सच कंपोनेंट्स, फाउंडेशन कोर्स, इलेक्टिव कोर्स, प्रैक्टिकल एंड प्रैक्टिकम कोर्स, इनहेंसिंग प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज कोर्स। तो इनको आपस में आपको मैच करना है। तो सेम फाउंडेशन कोर्स क्या होता है, जो नींव देते हैं आपको, बेस देते हैं, फॉर इनेबल द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल। तो मूल, फंडामेंटल का मतलब क्या है, मूल। तो ए का क्या होगा यहाँ पे, सेकेंड होगा ना, ए का थर्ड कैसे हो सकता है, नहीं फोर्थ नहीं, ए का थर्ड नहीं होगा, पेडागॉजिकल नॉलेज नहीं होता है। फाउंडेशन कोर्स का मतलब है बेसिक, जो आपको नींव प्रोवाइड करें। तो ए का क्या होगा, सेकेंड, तो ए के सेकेंड से हमारा आंसर हो रहा है। फंडामेंटल रिसर्च बेला, फंडामेंटल रिसर्च को ही बेसिक रिसर्च बोलते हैं, है ना, इसीलिए तो बोलते हैं उस, देखो आधारित पाठ्यक्रम छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के मूलभूत सिद्धांतों को समझाने के लिए। तो राइट आंसर इज वन। चलिए, ओके गाइस, थैंक यू सो मच, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कल आपका पेपर खत्म हो जाएगा, मेरी क्लासेस टाइम है 11:30, बट एक दो दिन से थोड़ा सा टाइम गड़बड़ हो रहा है, आज मुझे ज्यादा क्लासेस लेने हैं इसलिए मैंने जल्दी क्लास ले ली है। क्लास मोस्ट आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है क्या, बेल आइकन प्रेस कर दो तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है, बाकी आगे से क्लासेस टाइम पे ही रहेंगी। चलिए गाइस, ओके डियर, नहीं टाइम नहीं मिलता है नोटिफिकेशन, बेल आइकन प्रेस किया कि नहीं किया, और अगर आपको ग्रुप में ऐड होना है टेलीग्राम में जो फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आप इस पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको पेपर अब भेज दूं, वैसे पहले भेजा तो भाई फिर से भेज देती हूँ, कई सारे लोगों के पास है ही नहीं। चलिए गाइस, ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।